नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूपीएससी चैनल। आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से जो फ्री एसएससी सीजीएल कोचिंग की जो आपको नोटिफिकेशंस आई हुई है, उसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, मैं उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ बच्चों ने कल मुझे काफ़ी कमेंट किए थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाओ या आप क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दो मुझे कि किस टाइप से क्वेश्चन उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पूछे जाते हैं सीजीएल एसएससी में। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया। काफ़ी मैंने जामिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैंने काफ़ी सर्च किया था कि क्वेश्चन पेपर मिल जाए प्रीवियस ईयर, लेकिन मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिले। सिर्फ और सिर्फ यही एक क्वेश्चन पेपर जो है, जो आपका 2014 के जो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन पेपर मिले। तो मैं आपको बस कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं आपको एटलीस्ट अधिक से अधिक आपको मैं नॉलेज दे सकूँ, इसमें बता सकूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या पढ़ने होंगे और किस टाइप से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और फ्री में आप कोचिंग एसएससी करके आप अच्छे से ऐसे ऑफिसर ग्रेड लेवल की आप नौकरी ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि जो क्वेश्चन पेपर जो इसमें है, एक से लेकर 10 तक जो आपका जो क्वेश्चंस है वो आपका जो पैसेज है इंग्लिश में, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से पोर्शन क्वेश्चन आते हैं। पहला जो आपका है वो आपका मैथमेटिक्स है, यानी कि आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। फिर साथ में इसकी रीजनिंग भी आनी चाहिए और आपका इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, ऐसे वगैरह या आपको जो भी है इसमें जो 10th लेवल के जो आपको ग्रामर होती है वो सब आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। और आपको करेंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर आनी चाहिए, जीके, ठीक है, जीके भी आनी चाहिए और एटलीस्ट कम से कम आपको जनरल साइंस जो भी है इसी में सारे आपको आ जाएगा, करंट अफेयर में जीके में ही सारा आ जाएगा आपको। तो इतने सारे पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पेपर में बस इसी सारे पोर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, उसके बाद से आप एक बार अपने से सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिएगा कितना सॉल्व हो रहा है, कितना परसेंट बना पा रहे हैं। तो पहला एक से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है वो आपका ये पैसेज है, ये इंग्लिश का पैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी पैसेज दी हुई है और यहाँ पे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक। ये पे यहाँ पे सारे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन इसके हैं, पैसे से क्वेश्चन बनाए गए हैं, देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और ये 1 से लेकर 10 तक आपका सिर्फ पैसे से ही क्वेश्चन बनाया गया है, ये आप देख लीजिए। और फिर यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, ये आपको एक टेबल दे दिया गया है। इस टेबल में आपको दिया गया है कंज्यूमर डिमांड ऑफ गोल्ड इन सेलेक्टेड कंट्रीज एंड रीजन्स, इसमें कंट्री का नाम दे दिए गए हैं, ज्वेलरी दिए गए ना इसमें कितने परसेंट है और नेट रिटेल इन्वेस्टमेंट टोटल फी इसमें फिगर ये दे दिए गए हैं। फिर इससे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं देख लीजिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इससे बने हैं आपको 11th और 12th। इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन है काफ़ी आपको ईजी है, देख लीजिएगा आप इसे एक बार, देख लीजिए सिर्फ आपको यहाँ देखना है किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप से आ रहे हैं, कितने लेवल हैं, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है, किस टाइप से। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको स्टेटमेंट एंड आपको कंक्लूजन दिया गया है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाया गया है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन से, ये आपको यहाँ पर आ गए। रीजनिंग से क्वेश्चन आपको यहाँ से उठा दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, 2 साइकिलिस्ट डू द सेम जर्नी बाई ट्रेवलिंग, यहाँ पर आपको टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस अब क्वेश्चन बनाया गया है। फिर यहाँ पे आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन दे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन के यहाँ पे आपको दे दिया गया है। विच डायग्राम वुड रिप्रेजेंट, आप यहाँ पे देख लीजिए ये सारे इसमें क्वेश्चन से यहाँ पे आए 16 एंड 17। उसके बाद से यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 18 से 19 देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इस आपको यहाँ पे देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सपोज इफ़ यू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अ बैकवर्ड रीजन एंड फॉलोइंग पीपल्स आर वेटिंग टू मीट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें यही पूछा जा रहा है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, अगर आपसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है, बहुत देर से आपको वेट कर रहा है, जैसे कि उसमें से आपको एक रिटायर मिलिट्री पर्सन है रिगार्डिंग हिज पेंशन बेनिफिट, दूसरा जो है फेमाइन अफेक्टेड ओल्ड वोमैन, तीसरा एमएलए, चौथा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो किससे मिलेंगे आप, इस टाइप से क्वेश्चंस आप इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए कितना लॉजिकल एंड थिंकिंग आपको इसमें लगाने होंगे। इसमें तो आसान था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, इसलिए इसी तरह एसेंस रीजन से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, 23,
23 में क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ये 24 के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आपको कम से कम एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट मुझे इसमें 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको। फिर आपको करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर हो गया, आपको यहाँ से जीके हो गया आपको, और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस इसमें हैं आपको, एटलीस्ट कम से कम करंट अफेयर सारे आपको, ये आपको जीके से ही करंट अफेयर एंड जीके से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ये सारे देख लीजिए आप यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस हैं आप, इतने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ये एटलीस्ट 60 क्वेश्चन इसमें हैं, आप देख लीजिए। मैं पूरा इसका रोल डाउन कर दे रहा हूँ, और मैं इसका PDF जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और आप और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 60, ये लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। उसके बाद से 60 क्वेश्चन के बाद आपके यहाँ पे एक एसे है, आप देख लीजिए यहाँ पे एसे पूछा जाता है लास्ट में, जो आप ये फॉर्म भर लेंगे मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको OMR सेट जो है वो लोग ले लेंगे, उसके बाद से आपको ब्लैंक पेज देंगे 2-3 पेज का, उसमें आपको एसे लिखवाएंगे, ये लास्ट में आपको एसे लिखने होंगे। 5 इसमें दिया गया है, जिसमें से मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे इस टाइप से, मतलब इसमें पूरा ये क्वेश्चन बैंक ये लोग मतलब नहीं डालते हैं, इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि ये सब ट्रस्टेड है, क्वेश्चन बैंक डालेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, इसलिए वो लोग नहीं डालते हैं क्वेश्चन, ताकि बच्चे क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन पेपर रट लेंगे और वही पूछेंगे तो वो लोग सारे बना लेंगे, इसलिए क्वेश्चन पेपर वो लोग नहीं डालते हैं, सिर्फ ये मॉडल टाइप पेपर ये लोग डाल दिए हैं, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं एक बार सिर्फ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आप यहाँ पर ऐसे जो दिया गया है इसमें से आपको 2 या हार्डली हार्डली 3 करने होंगे, आप इसे इजीली कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन दिया गया है, डेवलपमेंट फॉर वुमेन के लिए दिया गया, उसके बारे में लिखना आपको है। लीडरशिप हैज़ 3 बेसिस, ट्रेडिशंस, क्रिसमस, इतना इतना सारा आपको सारा बहुत इजी ये आपको ऐसे है, इसमें से अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भी SSC का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, आप उसे SSC क्वेश्चन बैंक कम से कम 10 साल 20 साल 15 साल के जो है क्वेश्चन पूछे हुए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस साल, उसके क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर ले अच्छे से अच्छे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर एग्ज़ाम में जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसी से क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि ये भी SSC सीजन लेवल का ही है, जो भी SSC सीजन लेवल के Tier 1, Tier 2, Tier 3 के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो लेवल होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अच्छे स्कोर करें, अच्छे मार्क्स लाएं। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।